तो दोस्तों नमस्कार, मैं फिर आया हूँ एक नए वीडियो के साथ जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी सीएससी भाई हैं या फिर अदर जो नेट में काम करते हैं, आप लोगों को पीएनजी फाइल जो एमबी कम करने के लिए आती है उसके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर लाया हूँ, उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, उस सॉफ्टवेयर का नाम है ये RIOT। ये बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। इसके माध्यम से आप फोटो को मनचाहे साइज दे सकते हैं, एमबी कम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे हम डाउनलोड पे, एक क्लोज कर लेते हैं। तो ये स्टार्ट नाउ डाउन ऐप है, तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए हम इसे डाउनलोड किए। ये हमारा डाउनलोड होने के लिए रेडी हो गया है, इसे डाउनलोड कर लिया जाए। और इसके बाद देखते हैं ये यूज कैसे होगा। चलिए, मेरा थोड़ा सिस्टम स्लो है, नेट स्लो है, इसके कारण दिक्कत हो रहा है। चलिए देख लीजिए, अब यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है। तो हम इसे शो करते हैं, अब इसे सेटअप चला देते हैं। रन एडमिनिस्ट्रेटर कर देते हैं और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम क्लोज कर देते हैं, इसे मिनिमाइज कर लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपका सेटअप कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इसे क्लोज कर देते हैं। ट्रेनिंग दिखा दोस्तों, चलिए हम खोजते हैं, इधर भी नहीं मिला है। चलिए दोस्तों, तो हमें यहाँ पे आ गया, अब इसे हम खोलते हैं। ये खुलने के बाद आप देख सकते हैं किसी भी फोटो का एमबी मैं कम कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरा एक कॉल आया, मैं उसे अटेंड करके खुल रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, ये सेटअप खुल चुका है। चलिए एग्जांपल पे हम आप लोगों को दिखाते हैं कि मैंने सी ड्राइव में ये रखा है, ठीक है। इसका कितना एमबी है, 4.5 MB का ये फोटो है। चलिए इसको हम कॉपी करके यहाँ से हटा के यहाँ पे डेस्कटॉप पे ले आते हैं, ठीक है। अब ये एमबी कितने एमबी दिखा रहा है, 4.5 MB। अब हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, यस करते हैं। आप देखिए दोस्तों, अब इसका बहुत ही आसानी से हम इसका एमबी कम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है आपका 1.5 MB, ये सुपर रहा। अब इसको घटा सकते हैं और देखिए यहाँ पे आ गया 401 MB। अब इसको और कम कर सकते हैं, देखिए देखिए 8.5 MB। तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप किसी भी फोटो को बहुत ही आसानी से एमबी कम कर सकते हैं और अपने फॉरम वगैरह में फिल कर सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों, 500, अगर मैं चाहूँगा कि अभी इसे 100 KB करूँ तो 100 KB भी कर देता हूँ। अभी हम इसे 100 KB कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये अब आ गया आपका 200 KB लास्ट इसका कैपेसिटी है। और अगर हम इसे कम करना चाहेंगे तो और कम कर सकते हैं, लो मीडियम हाईलाइट मीडियम में रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप देख लीजिए 100 इतना है, इसे हम 100 KB में तब्दील कर देते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहुत ही आसानी में आप इसे एमबी में कम कर सकते हैं। चलिए हम इसको
सेव कर देते हैं। ठीक है, ये आपका यहीं पे सेव एज कर दिए, यस कर दिए। ठीक है, अब ये कम हो गया, देख सकते हैं ये कम हो गया। अब इसका एमबी कितना है, 103। देखिए यहाँ पे जो दिखा, अब हम इसे बढ़ाते हैं फिर। ये तो ये है, फिर से कर देते हैं, फिर से इसको लेकर ओके कर देते हैं। यहाँ पे जाते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई पैन कार्ड वगैरह बनाते हैं, इसके माध्यम से JPG फाइल बहुत ही आसानी से इसमें आप उसका MB कम कर सकते हैं। तो आशा करेंगे दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगा।